हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैबा के व्लॉग में आप सभी का खैर मकदम है। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए सबसे मजेदार और सच्चा खाने का रिव्यू, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे बेहतरीन रेस्टोरेंट एंड ट्रेंडिंग। हर एपिसोड में हम चक्कर देखेंगे, खाने का असली जायका स्वाद का तजुर्बा करेंगे और आपको देंगे एक बेहतरीन रिव्यू, ताकि आपको मिले एक बेहतरीन वीडियो। वीडियो में आपको मिलेगी सच्ची राय, क्या था खाने का स्वाद, प्रेजेंटेशन, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आप भी है एक फूडी और चाहते हो खाने का असली मजा लेना, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस सीरीज में, क्योंकि यहाँ हर रिव्यू करेगा आपके टेस्ट बड्स को इम्प्रेस और देगा आपको असली जायके का मजा। सो गाइज, हम पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं कुरला का फेमस अल हबीबी कब्सा ढाबा, जो के लोकेटेड है कुरला वेस्ट में। अगर आपको भी जाना है तो हबीबी कुरला कभी भी आना। अपन अपनी पहली वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या सच में ये रेस्टोरेंट अपनी शॉर्ट पर खड़ा उतर। हम लोग आ गए अल हबीबी में, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिंगल आपको कुछ नहीं मिलता, जैसे राइस और नूडल नॉर्मल चीज, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बो अवेलेबल है और हम लोगों को पसंद आया है चमचम कॉम्बो। इसका प्राइस देख लो और इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो भी देख लो, और देखते हैं इसको खा के ट्राई करते टेस्ट, देखते हैं कैसा है और इसका रिव्यू भी करेंगे। मैं आई हूँ अल हबीबी कब्सा ढाबा, एक नंबर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का इंटीरियर बहुत खतरनाक है और सबसे खतरनाक लग रहा है ये, सबसे खतरनाक मुझे ये लगा। और यहाँ पे सबके लिए प्राइवेट रूम के जैसा बना हुआ पूरा है, जमीन और अभी पूरा बन के आएगा ना। अम्मी, मेरी अम्मी सऊदी गए थे, वहाँ पे भी उनको ऐसा ही दिखा था, देखेंगे वो क्या बोलते हैं। हाँ बोलो, तुम सऊदी में गए थे तो ऐसे ही था, तुम होटल में आते थे खाने ऐसे था, मगर वहाँ टेबल कुर्सी नहीं थी, मतलब नीचे बना हुआ था, दस्तर खान जैसा। तो क्या क्या खाना पसंद किया वहाँ पे? हम लोगों ने बनाए थे मंदी, खाए थे खप्सा राइस खाए थे। तो गाइस, मेरी मम्मी पहले ऐसे इंसान है जो सऊदी में खप्सा खा के आने के बाद बोलते हैं मेरे को वहाँ का पसंद नहीं आया, मुझे मुंबई का ही पसंद है। सही ना? क्यों नहीं पसंद आया? मसाला नहीं थे उसमें। सही बात है, वहाँ के लोग सादा खाते हैं, अपन लोग मसाले वाला खाते हैं। और यहाँ पे ना मेरे सर के ऊपर ही ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कूलिंग दे रही है, मैं गलत जगह बैठी थी। नहीं, मैं यहाँ पर कोने में सही हूँ। मैं यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आने का कभी भी फोटोशूट वगैरह के लिए। और अम्मी, यो अम्मे, यो गाइस, हम लोग तीन ही लोग आए, मम्मी मैं और मेरी बहन, और मचाएंगे फूल। हम लोगों ने एक प्लेटर लिए है यहाँ पर, यहाँ का सीन ही है गाइस, यहाँ पे नॉर्मल तुम राइस या फिर नूडल वगैरह कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बो चलता है। तो इसलिए यहाँ पर आना, तो प्लीज़ फैमिली के साथ आना है ना दीदी, मम्मी आगे लाके मतलब है यहाँ पे फैमिली के साथ अच्छा लगता है। यहाँ पे अकेला के मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि आप अपनी फैमिली जितनी है तो क्या करें ना, हमारी फैमिली छोटी सी है। हो गया भाई, ये सलाद है, थोड़ा जोर से बोलो भाई, ये सलाद है, ये सलाद है, ठीक है, चना है, चना गार्लिक है, ये फिश फिंगर है, हाँ ये फिश फिंगर है, ठीक है, मुल्तानी टिक्का। तो इसका टेस्ट कैसा रहेगा, मतलब सॉरी अच्छा, और ये ड्रैगन ड्राई अच्छा, मतलब अभी जो रील वायरल होली इसी की ज्यादा है। ओके, बहुत प्यारा दिख रहा है, जो है आसमानी झूला दिख रहा है मेरे को, बहुत भारी गाइस सीन हो गया मेरे साथ, मेरी मस्ती के चक्कर में हो गया ये सीन, बाकी मुझे बहुत प्यारा दिख रहा है ये, मुझे ऐसा करना ना, वाह ये उल्टा जा रहा है, मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, इसको थोड़ा मैं ऐसा उल्टा, ठीक है क्या बात है। तो ये झूला है, हम इसको ट्राई करते हैं, हटा दिया क्योंकि हम लोग से गिर रहा है सब, सब भी करके दे रहे हैं, झूला हटाना ज़रूरी था क्योंकि गिर रहा था इसलिए। ये फिश फिंगर है ना? ओके, तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है क्या है। प्लेट रेडी है, इसको टेस्ट करके मेरी मम्मी बताएंगे। मम्मी रख जाओ, क्या ये फिश फिंगर? हाँ खाओ के बताओ, फिश फिंगर, यस बताओ कैसा है, मस्त है गाइस, एक नंबर वाला शॉट है। फिर से चालू हो गया रमज़ान के बाद, चिकन क्रिस्पी बहुत सही है, खाली आवाज़। मेरी बहन को वीडियो में आना नहीं पसंद, इसलिए उसको नहीं लेती हूँ मैं, जिसको पसंद है उसको लाई नहीं, ऐसा हो गया मेरे साथ। किसको? हाँ फातिमा, मेरी छोटी बहन, सॉरी फातू, वीडियो देखने बाद प्लीज़ कुछ रॉन्ग कमेंट नहीं करना, क्योंकि हम लोगों का प्लान बहुत जल्दी जल्दी और एकदम फटाफट अर्जेंट में बन गया। बहुत सही लगा मुझे फिश फिंगर जो है, वो बहुत सही लग रहा है गाइस, है ना जी? कौन सी फिश है? पता नहीं कौन सी फिश है, बट बहुत सही है। चिकन क्रिस्पी जो है ये भी बहुत सही है, चना गार्लिक भी सही है, चना गार्लिक में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है गार्लिक लग रहा है मुझे, और यहाँ पे सलाद वगैरह भी है, लेकिन लोगों का ये जो है ना ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत सही है। और ये है मुल्तानी चिकन, ये हरी चटनी भी आ गई, और ये क्या भाई, मायोनीज भी आ गई अपनी।
टिक्का तो पूछने में गया था, लेकिन माइनस क्यों दिया उसने मुझे ये नहीं समझा। फिश के साथ माइनस कौन खाते हैं? अपन ट्राई करेंगे फिश एंड मायोनीज, देखते हैं कैसा है। इसके साथ कोई हरी चटनी नहीं भाई, हरी चटनी खाते मम्मी बताओ जरा कैसा है, तुम खा के टेस्ट किया गाइस? अपन हरी चटनी से टेस्ट करते हैं कैसा है। हरी चटनी से एक नंबर लग रहा है यार, मैं जल्दी जल्दी खा लूँ फिर वीडियो बना। उन्होंने स्टार्टर का एक नंबर लगा। मेन कोर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? सूप है, ये सूप है जो मिला है हम लोगों को। हाँ अलग अलग खाएंगे, प्लेट तो दे उनको वो निकाल ले। ठीक है भाई सर्व करेंगे आपको, आटा उतर लो ठीक है, इसको थोड़ा ही ज़्यादा। भाई मंडी का नाम क्या है? अफगानी मंडी। गाइस अफगानी मंडी है यहाँ पे, यहाँ पे खा के टेस्ट करेंगे कैसा है। ठीक है अम्मी बोल रहे गाइस, अम्मी सऊदी में जो खा के उनको सिर्फ वहाँ पे मंडी मिली, सूप नहीं मिला। और चावल भी सफेद रहता है, हाँ चटनी रहती है। हाँ मेरा गरीब मैं आप में खाए थे वहाँ पे भी वाइट वाइट था, मैं इसको टेस्ट करता हूँ आराम से। अपन इसको टेस्ट करते हैं और देखते कैसा है। यहाँ पे सूप भी है, थोड़ा सूप डाल के टेस्ट करते हैं। थोड़ा सूप डाल देती हूँ मैं, और सूप डाल के थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं लगता है। यहाँ तक सूप दिए तो टेस्ट करते हैं अपन। और ये मायोनीज भी मिली है, टमाटर की चटनी ये भी डालते हैं। वैसे जो सूप है ना, सूप बहुत मस्त है, बस इसकी वजह से थोड़ा मीठा टेस्ट आ रहा, बाकी एक नंबर टेस्ट है। अम्मी सही है ना टेस्ट? अम्मी को सऊदी की उधर खाए थे ना, अम्मी को सऊदी की अलग ही। हमने कई इस बार ढाबा में खाए थे गाइस, वहाँ पे हम लोग को राइस के साथ अंडा मिला था और कुछ नहीं, और वहाँ का राइस जो है एकदम प्लेन था वही, और बाकी टेस्ट वाइज एक नंबर है। खा लूँ फटाफट फिर मिलते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद जो चीज़ की कमी रहती है वो है सौंफ, और ये हार्ट में है, क्या बात है। और ठंडा भी मिला हम लोगों को जो इसमें था, प्लेटर में था। और बिग पीना ज़रूरी है गाइस, कोक वगैरह को छोड़ो, क्योंकि अपन सपोर्ट करते हैं फलस्तीन को, इसलिए अभी अपन भी खा लेते सौंफ और निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आपको कुछ टाइम के बाद। एक आदत है मैं कभी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, तो मुझे सोप जो है ना इसके अंदर लेके जाना पसंद है, और मैं इसके अंदर लेके जाके घर पे खाती हूँ। मुझे आ रहा है यार, मैं यहाँ नहीं खाती हूँ घर जाके खाती हूँ। तो अपन मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। फाइनली हम लोग आ गए जाकर, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलेगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो गाइज मुझे अला बीबी का इंटीरियर अच्छा लगा, डेकोरेशन अच्छा लगा, सब चीज़ें अच्छी लगी, ए टू जेड जो भी वहाँ पर थी अवेलेबल, सर्विस भी बहुत अच्छी लगी। बट उन लोगों का नहीं अच्छा लगा तो वो है उन लोगों का टेस्ट, क्योंकि सबसे पहले एंटर होते ही उन लोगों ने हम लोगों को ये बोल दिया कि यहाँ पे सिंगल कुछ भी नहीं मिलता है, सब चीज़ें कॉम्बो में अवेलेबल है। सबसे पहले वहीं पे मेरा इंप्रेशन डाउन हो गया। और सेकंड जो है टेस्ट के लिए हम लोग गए थे गाइस, जो कि मुझे वहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिला जितना नाम हो रहा था, अल हबीबी। तो आई थिंक उन लोगों ने दुबई का कॉन्सेप्ट मुंबई में लेकर आए, तो दुबई में लोग फिक्का खाना खाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट कुर्ला में भी उन लोगों ने लेकर आया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा टेस्ट। सिर्फ स्टार्टर था, चार स्टार्टर में से जो चिकन मुल्तानी था सिर्फ वही एक था जो मुझे सही लगा, बाकी सब जो था एकदम फिक्का था। टेस्ट वाइज अगर देखोगे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रहा है अला बीबी का। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था गाइस। तो इसी के साथ अभी इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सी वीडियोस आएंगी, और भी हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बहुत सारी होटल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करिए। ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ही भाषण दे दिया है इसमें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।